उत्तर प्रदेश के सिपाही के नए नए कारनामे सामने आते रहे हैं। दरअसल एक बार फिर एक सिपाही का नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि ये कारनामा बागपत जिला का है। ये सिपाही ने पहले बेगम को 3 तलाक दे दिया, फिर उसने दूसरी बेगम से शादी रचाई। वहीं शादी 3 साल बीत जाने के बाद उसको भी तलाक देना चाह रहा और तीसरी शादी रचाने की जुगत में लगा है। वहीं परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगा रही है। आज कलेक्ट्रेट पहुँचे हो, क्या मामला, किस लिए पहुँचे हो यहाँ पे? सर इसलिए पहुँचे हूँ, क्या तलाक देने की धमकी देता है सर, पैसे मांगता है, कहाँ से लाऊं सर, मुझे भी छोड़ने की धमकी दे रहा है जा, कि तुझे भी 3 तलाक दूंगा। एक तो उसने छोड़ दिया सर, अब मेरे भी वो कर रखा है उसने कि तुझे भी छोड़ूंगा, मैं नहीं रखता। अब तीसरे के चक्कर में मर रहा है सर, ये है सर, कहाँ से पैसे ला दूँगा, मेरा बच्चा है सर, इसे भी मना कर देते हैं। कहाँ हुई थी तुम्हारी शादी? तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या करता है तुम्हारा हस्बैंड? यासी पुलिस में है सर। कहाँ पे तैनात है? उसमें है सर, बाग, उसमें जासना जेल में, गाजियाबाद। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 2 साल हो गए सर, 3 साल चल रहा है। क्या वजह, क्यों मांगता है पैसे तुम्हारे से? सर मना करता है, ऐसे तो लत पड़ रही है तीसरी, अब शादी करने की एक छोड़ दिया सर, वो टीचर थी, अब मुझे भी छोड़ने को फिर है सर, उसे नई नई लड़की चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा ला के दूँ तो रखेगा वरना मना कर देगा सर। उनसे भी लोन के कह रहा था कि अपने कागजों पे लोन दे करो आके, जब तुझे रखूँगा, नहीं तुझे भी नहीं रखता सर। उसने पता नहीं मना करा क्या करा, उसने फिर उसे मना कर दिया, फिर लाके उसे शादी को उसे तलाक दे दिया। तो अब मेरे से भी पैसा मांगता है, पैसा कहाँ से ला के दूँ सर, घर वालों ने इतना दहेज दे दिया, इतना पैसा दे दिया, अब 2 लाख रुपये बहन सर की शादी में दिए सर, कहाँ से देंगे घर वाले इतना पैसा। वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि दहेज की मांग न पूरी होने पर सिपाही ने 3 तलाक की धमकी दे रहा है और मारने की भी धमकी दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नदीम नाम है। नदीम, कलेक्ट्रेट पहुंचो, क्या मामला है? जी ये मेरी बहन है जी, सब और जो है जी, मैं 3 महीने हो गए जी पुलिस के पास, जब तो पुलिस मेरी कुछ नहीं सुन रही जी, बिल्कुल भी। हमें यहाँ भेजा जी बागपत के SP ऑफिस जाओ, SP ऑफिस जी हमारा वो चल रहा जी मेडिसन जी, और जो है जी उसके बीच में जी हमारी बहन को जी बहुत परेशान करी जी, उसने हमारे से पैसा मांगता था जी, हम मजदूरी आते हैं, कागज ला कर दे जी। कौन है ये? ये हमारा जीजा है नूर मोहम्मद जी, और जो है जी 2-3 बार दिया भी हमने पैसा उसे, फिर भी हमारे ऊपर मांग जी, इवन हमारी मोटरसाइकिल मांगी ले रखी थी जी, उस पर भी ये कह रहा कि तुमने मुझे दहेज में दी थी, जो है इसके खिलाफ मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा डलवाऊंगा, हमें इस चीज़ की भी दाब दी जा रही जी, और जो है जी उसका पहले जी जान सा मारने की धमकी दी कि तुम्हें सबको ख़त्म कर दूंगा मैं, ऐसे पुलिस में हूँ। बता दें कि सिपाही नूर मोहम्मद PSC पद पर गाजियाबाद की डासना जेल में तैनात है। फिलहाल इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।